Good morning. Happy Friday. सुबह सुबह फोकट में फ्री में आपको एक एडवाइस दे देती हूँ. एडवाइस क्या? अगर आप चाहते हो तो आप थोड़े स्लीम लगो, थोड़े पतले दिखो, थोड़े दुबले दिखो, तो आपको इस तरह का जो है कॉलर वाला पहनना चाहिए. मीन्स टॉप हो या फिर कुर्ता हो और हाफ स्लीव्स पहने. इससे ये होगा कि आप थोड़े स्मार्ट दिखोगे, साथ ही साथ आप थोड़े पतले भी दिखोगे और गर्दन आपकी सुराहीदार दिखेगी. ये है आज का छवि का ज्ञान, वो भी सुबह सुबह फ्री फ्री फ्री. मेरी बहन आई थी ना पल्लू, तो उसको ये सॉसपेन बहुत पसंद आया. कह रही छवि दीदी यार एक चीज बताओ, ये क्या है जो ये गर्म ही नहीं होता है? हम बोले कि एक तो विनोद है, एक तो विनोद ब्रांड का कमाल, दूसरा छवि का कमाल. उसको मैं बोली विनोद है बाबू, विनोद के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं. बट अगर आपके पास कुकर है विनोद का, सैंडविच बॉटम वाला, तब तो आपको पता होगा. बट अगर आप सोच रहे हो कि विनोद का कुकर खरीदना है, सैंडविच बॉटम वाला, छवि दिखलाई है और छवि उसकी बड़ी तारीफ की है. ये है डाबर हनी, जिसको अगर आप गुनगुने पानी के साथ पीते हो तो आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा. और अगर आपके मन में शंका है कि मैं डायबिटिक हूँ और मैं ये हूँ, मुझे पीसीओडी है, या फिर मैं डायबिटिक हूँ और मुझे बहुत सारी परेशानी है, तो मैं ये पी सकती हूँ कि नहीं, गुनगुना पानी और हनी 100% पी सकते हैं, लेमन डाल के पी सकते हैं, बट विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलने वाला. बट अगर आप प्रेग्नेंट हो तो डॉक्टर की सलाह लेकर के पिए. मुझसे अगर पूछते हो तो मैं प्रेगनेंसी में कुछ भी नहीं पीना चाहिए, तो आप ना पिए तो बेटर. प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के 3 महीने के बाद से पीना शुरू करें. आज मैं गरीब हूं, आज मैं बिना नींबू का पीऊंगी. गुड मॉर्निंग वंस अगेन, हैप्पी फ्राइडे, यानी कि शुभ शुक्रवार. और ये है चाय मेरा और गुड्डू का. यहाँ पर है खारी बिस्किट, तो खारी बिस्किट के साथ गुड्डू चाय एंजॉय करेंगे, मैं विदाउट खारी बिस्किट चाय एंजॉय करूंगी. आप लोग भी चाय एंजॉय कीजिए. मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय बाय. और इस समय आ गई हूँ ये पूरा डाइनिंग एरिया का जो पूरा है ड्रॉर है, ये पूरे 1 साल हो गए थे साफ किए हुए, तो बस वो सब को साफ़ कर रही हूँ मैं, ताकि अच्छे से जो है वो मीन्स बहुत ऐसा चीज़ होता है ना कि हम लोग पूरे साल बस रखते ही जाते हैं. ग्रॉसरी का सामान आया, रखते चले गए. किचन का जो ड्रॉर वगैरह है वो साफ़ हो पाता है, बट ये वाला जो ड्रॉर होता है ना, ये जो अभी मैं साफ़ कर रही हूँ, ये ड्रॉर बस ऊपर वाले ड्रॉर फिर भी साफ़ हो जाते हैं, लेकिन ये वाले ड्रॉर वो साफ़ ही नहीं होता. तो पूरा 1 साल के बाद खोली हूँ, तो देख रही हूँ कि कितना सारा सामान एक्सपायर हो चुका है. वो है मीन्स क्या बोलूँ, मीन्स 10 या 12 बैग जो है डस्टबिन बैग में भरी थी, सिर्फ एक्सपायर हो गए थे वो सामान उस सब से.
ये हिबिस्कस पाउडर रखे रखे ही एक्सपायर हो चुका। ये इसी ड्रॉर में था और मैं भूल गई थी कि इसके अंदर मेरा दो हिबिस्कस पाउडर है, ये एक्सपायर हो चुका है। 2019 में ही एक्सपायर हो चुका है। 2018 से मैं साबुन बनाने का काम कर रही हूँ ना, उस टाइम से ये सारे प्रोडक्ट यूज़ किया है। इसके अंदर जो भी है ना, इसको फेंकने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि सारे के सारे वैसे ही पैक प्रोडक्ट थे। और ये ट्रॉली को, इसको मैं 2 साल के बाद खोली, खोल नहीं देती मैं, और सारे एक्सपायर हो गए। सारे इतने कॉस्टली फ्रेग्रेंस से लेकर के सब कुछ एक्सपायर हो चुका। आज दिन दुख रहा है मेरा ये सारे फ्रेग्रेंस से। मेरी माँ के लिए सफाई झाड़ू पोछा इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब मेरे एग्जाम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। मेरा 10 बजे एग्जाम है और उस फ्लैट की जो मौसी अस्मिता मौसी वो आ गई 9:30, तो 9:30 घुसा के जल्दी 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 काम भी करवा रही। मम्मा 10 बजे एग्जाम है। हाँ तो क्या हो गया, उतर गया, पोछ देगी, बाकी सारा काम हो जाएगा, तुमको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। जबकि पता है मम्मा को अगर पेंसिल भी गिरता है तो मैं इतना डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और वो पूरा घर का झाड़ू पोछा बाथरूम क्या क्या हो रहा था, मतलब सफाई एग्जाम से भी ज्यादा प्रायोरिटी है मम्मा के लिए। हाँ वो आज प्रूफ हो गया, सफाई प्रायोरिटी नहीं है एग्जाम नहीं, आज ये प्रूफ। मैं उस समय का रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई आपको, तब आप भी यकीन करते, मतलब जल्दी जल्दी दरवाजा खोल के जल्दी जल्दी घुसा दी। जब तक मैं गई तब तक तुरंत एकदम क्विकली जहाँ पे मैं डाइनिंग एरिया पे एग्जाम देती हूँ वहाँ पे पूरा सफाई हो गया, इतने जल्दी झाड़ू सब कुछ हो गया। मतलब सफाई इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब सफाई तो इम्पोर्टेंट सबके लाइफ में होना चाहिए, एग्जाम से प्रायोरिटी। मतलब कल एक दिन मैं उस फ्लैट में नहीं करवाई तो आज तुरंत घुसा के बस, मतलब अगर मैं 5 मिनट और लेट जाती ना तो पूरे घर की सफाई करके निकलवाती, वो भी 15 मिनट में। मतलब इतना सफाई का कीड़ा है, होना चाहिए बट इतना भी नहीं कि 15 मिनट में एग्जाम शुरू हो रहा है तो तुरंत सफाई करवा ले। दिस इज टू मच, 3 मच, 4 मच, मच 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 मच। अभी 2:10 हो रहा है और लंच बनाने में मुझे बहुत देर हो रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि अभी पहले भाजी चढ़ा देती हूँ और एक तरफ से भाजी बनता रहेगा और दूसरे तरफ जो है मेरा सफाई हो जाएगा। तो ये सब हो गया है, ये आप देख रहे हो ना,
ये पूरा ये दोनों हो गया है और नीचे के सारे सेल्फ हो गए हैं, बचे हैं ऊपर के सेल्फ को करना है, ये तीन को करना बाकी है। और ये वाला सेल्फ तो एक एक ग्लास को निकालना है और साफ करवाना है, तो ये बचा हुआ है। दूसरा फ्रिज के ऊपर का सफाई हो चुका है, बस सबको सेट करना है। दो अब ये वाला एरिया हो गया, बट मेरा रूम, अंशु का रूम, गोल्डी का रूम, पूजा रूम बोल दो आप सिंपल, और ड्राइंग रूम, ये सब की सफाई जो है वो मंडे से शुरू करूंगी। तो शुरू करते हैं, शुरू करो अंतराक्षी ले प्रभु का नाम। और प्लस टेलर मास्टर के पास भी जाना है, मुझे अपना साड़ी बनने के लिए देना है, ये भी है। बहुत तो सफाई बहुत है, इसलिए मैं आ गई हूँ भाजी बनाने के लिए कि भैया पाव भाजी बना दो, पाव भाजी थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अभी एक कढ़ाही देख रही हैं आप, ये मेरा फेवरेट कढ़ाही है, इसके रंग रूप पे ना जाएंगे, बड़ा खूबसूरत कढ़ाही है। तो इसके अंदर डाली हूँ रिफाइन, और उधर अंशु के साथ गप्पा कर रही हूँ और रिफाइन डाली हूँ। जब रिफाइन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर सीधा डाल दूँगी बारीक प्याज, यानी कि जब भी मैं भाजी बनाती हूँ तो उसमें तड़का में कुछ नहीं डालती हूँ, सीधा प्याज डालती हूँ, नमक डालती हूँ, फिर कवर करके उसको भूनती हूँ। जब प्याज थोड़ा सॉटे हो जाता है तब उसके अंदर डालती हूँ टमाटर, यानी कि 6 जन में आराम से आप 3 बड़े साइज़ का प्याज, 2 से 3 बड़े साइज़ का टमाटर, उसके बाद जो है आप क्या बोलते हैं, मैं सब्जी में और कुछ भी नहीं देती हूँ, मैं ग्रीन पीस देती हूँ, और ग्रीन पीस यानी कि मटर, और भुना हुआ मटर जो होता है, सॉरी उबला हुआ मटर को उबालती हूँ और उसको डालती हूँ। तो अभी आप देखिए वो कढ़ाही में मैं डाली थी रिफाइन, फिर प्याज, फिर टमाटर, स्वादानुसार नमक, पाव भाजी मसाला, उसके बाद जो है वो मैं डाली थी आपको हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद उन सबको भूनने के लिए चढ़ा दी थी। तो एक तरफ मसाला भुना रहा है मेरा, और दूसरी तरफ मैं आ गई हूँ घर की सफाई करने के लिए। तो बहुत सारा जो है वो सफाई, बाबा दीपावली की सफाई ख़त्म हो जाए हो नहीं सकता, तो बहुत सारा सफाई जो है वो करना होता है। लगता है दीपावली भाई दीपावली है ना, एक्चुअली दिवाला निकाल देता है। दिवाला किस लिए निकालता है, क्योंकि पैसे का भी दिवाला निकालता है, बहुत सारी शॉपिंग हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, और साथ ही साथ हो जाता है बहुत सारी सफाई। तो ये जो ड्रॉर है ये सब की सफाई कर रही हूँ, और इधर ये गोल्डी है, ये नारियल तेल जो है लगा रही है, क्योंकि उसके हेयर बहुत ज़्यादा रफ़ लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहे थे, तो वो लगा रही है नारियल तेल। और मैं अभी आऊँगी किचन में, क्योंकि मेरा मसाला जो है वो मीन्स मेरा नहीं भैया, पाव भाजी का जो भाजी का मसाला है वो भुन चुका है, और मैं आऊँगी कि भाई थोड़ा सा उसको चला दूँ, कैसा है क्या है उसे देखती हूँ। लंच हो चुका है, वो पीछे से गोल्डी वैसे कर रही है, लंच हो चुका है पाव भाजी, और उसके बाद जो है अंशु अभी लंच नहीं किया है, अंशु का अभी रखा हुआ है, अंशु बाहर गया है, और बाहर से जब आएगा उसके बाद अंशु पाव भाजी खाएगा। और ये यहाँ तक का पूरा अच्छे से सफाई हो चुका है, यहाँ तक वहाँ से लेकर के ना, ये देखो यार, वहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी सफाई हो गई है। अभी ये ट्रॉली और ये ट्रॉली बाकी है अभी सफाई करना। हाँ बहुत सुंदर लग रही है, तो अभी ये दो ट्रॉली बाकी है, और अभी मैं एक्साइटेड, मेरा जहाँ कुछ आया है कि मैं तुरंत भाग
सकती हूँ, मैं ट्राई करने की हूँ, कोई एक्साइटमेंट नहीं मिला है। हाँ रखो कर, ठीक है चलिए अभी जा रही हूँ सार लेने के लिए, जब सार लेकर के आऊंगी उसके बाद आप लोगों के साथ गपा करती हूँ, ठीक है चल। ये मैं आपके पैसे से मम्मा की खरीदी। हाँ ये देखिए इतने सारे स्टोरेज बॉक्स सारे साफ हो गए, सारे खाली हो गए हैं, अब बस इन सबको मुझे मेरे मुंडी पे डालना, गोली के मुंडी पे डालना। चलो पहले शाम के बज रहे हैं 6:15 हो रहा है और मेरा सार नहीं हुआ है, मैं अभी जब तक दीपावली की सफाई प्रॉपर पूरा से खत्म नहीं होता है तब तक मेरा नहाना नहीं होगा। एक्चुअली नहाना इसलिए नहीं होता है क्योंकि सुबह अगर आप नहा लेते हो ना उसके बाद फिर आपको ये कचरा में घुसने की इच्छा नहीं होती कि फिर से आप पूरा सफाई करो। तो आ गई हूँ किचन में, ज्यादा यहाँ से ही किचन में क्योंकि हमारी खूबसूरती का खजाना और कहीं नहीं है किचन में। देखो यार ये कैसे कैसे करती है यार, ओ गोल्डी यार बात तुम्हारे पापा कहें तो समझ में भी आता है, पापा तो कहेंगे नहीं, पापा तो कहेंगे नहीं। हाँ गुड्डू बहुत रियल मेरी तारीफ करते, मीन्स तारीफ ही नहीं करते यार, ऐसा होता है क्या? मीन्स तारीफ पाने की तारीफ पति देव से मुझे मिलता ही नहीं, बट चलता है। चलिए तो मैं ले रही हूँ सुगर और ये है सुगर पाउडर, ये सुगर पाउडर यानी कि नॉर्मल चीनी ही है ये पाउडर सुगर। पप्पा थे ना तो पप्पा के लिए मैं चीनी को ना ग्राइंड करके रखती थी ग्राइंडर में ताकि पप्पा को गला में ना अटके और इजीली पप्पा दूध के साथ जो है उसको पी ले। तीन इंग्रेडिएंट जो ऐड करी वो है बेसन और वो भी 1 स्पून ली, ठीक है। इतनी सेल्फिश है सिर्फ 1 स्पून डाल दिया। हाँ तो इसको बोलूंगी तो ये कहेगी मैं अभी मेरा मूड नहीं है लगाने का तो मैं क्या करूँ। मैं ये फेस पैक लगाई हूँ, खुद से बनाया हुआ फेस पैक है, मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर सक्सेसफुल हुआ तो मम्मा को शेयर करूंगी। एक्चुअली इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट होता है वाइल्ड टर्मरिक बट वो उस फ्लैट में है, इस फ्लैट में नहीं है तो क्या करो। फ्रेश हल्दी मिलाओ और नानू वाला। हाँ। नहीं नहीं तो हल्दी बाय गॉड वो हल्दी नहीं है, अब इसके अंदर मैं कर्ड ऐड की हूँ दही। जो भी वो पीसी थी ना पहले मिर्ची पीसी उसके उसी मिर्ची के अंदर हल्दी पीसी तो हल्दी मिर्ची एक तरह से सेम हो गया, वो प्योर हल्दी हुआ नहीं। प्योर हल्दी वो खतरनाक हल्दी है। चलिए अब इन सबको करूंगी अच्छे से मिक्स। पूजा रूम का थोड़ा लाइट ऑन करो और मंदिर का भी लाइट ऑन करो। पैक बन के हो गया रेडी, दही बेसन और सुगर, इसको मैं अपने पूरे फेस के ऊपर लगाऊंगी और जब सार लेने जाऊंगी क्योंकि ये कॉलर नेक जो है वो पूरा कवर वाला है तो जब मैं सार लेके लेने जाऊंगी तब मैं क्या करूँ। हाय सांप दिखला रहा है कोई, जल्दी से मैं भी नहा के सार दिखला देती हूँ। सार कहते हैं सांप दिखला देती हूँ क्योंकि मम्मा जब शाम दिखाती है तो लेट होता है, जितने दिन मैं शाम दिखा रही हूँ उतने दिन एग्जैक्ट परफेक्ट टाइम पर शाम दिखाई। मेरा आज लेट हो गया है भाई और मैं दोनों फ्लैट में शाम दिखाती हूँ और मम्मा इसी फ्लैट में शाम, किसका बेटर हुआ? तुम्हारा। अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए फिर इसको नेक पे मैं पूजा नहीं कर सकती तो उस फ्लैट में 3-4 दिन से अभी तक पूजा भी नहीं हुआ। आप भी बताइए ना कि मेरा गिफ्ट मम्मा के लिए कैसा लगा और बहुत जल्द आपको किसी स्पेशल डे में स्पेशल चीज के साथ आपको बहुत जल्द स्पेशल डे स्पेशल ओकेजन और स्पेशल क्या है उस दिन जब हम शेयर करेंगे तब आपको ये पहने दिखेंगी। गोवा वाले बीच पे दोनों आंखें नीच के हम गोवा वाले बीच पे रानी आंखें नीच के
ठंडे ठंडे बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। चलिए अब इस पैक को मैं लगा ली हूँ, सिर्फ 15 मिनट भी मुझे नहीं लगता कि मैं रख पाऊंगी इसे अपने फेस के ऊपर, उसका मैं चली जाऊंगी सार लगा। अरे तो पोतना थोड़ी होता है, लगाना होते हैं थोड़े देर। और मेरे जो स्पेशल जगह की तैयारी जो हो रही थी मेरी, वो बहुत ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है कि मेरे पापा इतने ज्यादा क्रोधित हो गए हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। बट एक लड़की की शॉपिंग कभी खत्म नहीं होती, या फिर चाहे पापा कितने भी क्रोधित हो जाए, एक लड़की की शॉपिंग कभी खत्म नहीं होती। एक लड़की घर के बाहर एयरपोर्ट पे जाते जाते भी पैकिंग करना भूलती नहीं, भूल जाती है क्या, मैं तो ये भी डालना भूल गई, मैं वो भी डालना भूल गई। तो ये सब अगर एक लड़की नहीं करेगी तो कौन करेगी, है ना। तो तभी मैन इज डिफरेंट एंड वुमेन इज डिफरेंट। तो बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ, अंशु फोन कर रहे हैं, अंशु कहीं बाहर गया है, अब हम पता करूंगे। मारने की साजिशें रची जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, बाय।